तो हाँ जी स्टूडेंट, आपका लास्ट का मैं पेपर मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। आपका क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 1 जो सेमेस्टर 2 बीकॉम ऑनर्स में आया था, सेमेस्टर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था ना, ए पार्ट आप देख रहे होंगे, जो ए पार्ट था हमारा, दैट इज ये था हमारा किसका सर, ये था हमारा सिंपल सा गिवन है आपको, ये हमारा था प्रेफरेंस शेयर का। क्योंकि आप नीचे जाएंगे, नीचे क्वेश्चन में क्या कहता है एक बार देखिए आप, नीचे क्वेश्चन में कहता है कि प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करना है और इसमें मेन क्या कहता है एडजस्टमेंट, रिडीम करना है 10% प्रेफरेंस शेयर और बाय इशूइंग ऑफ द आपका प्रेफरेंस शेयर ही इशू करके करना है, ठीक है ना, आपको इक्विटी शेयर नहीं करना। तो प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो कैन इशू इंस्टेड ऑफ सीआरआर क्रिएशन। और एक लास्ट में बोलता है मिनिमम रिजर्व और एक बोनस इशू भी कहता है और फर्स्ट मे को, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो कन्वर्टेबल डिवेंचर वगैरह है ये जुलाई को है और जर्नल एंट्री सिर्फ मई तक का पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखिए सिंपल तरीके से है, अगर आपको किसी भी आंसर में अगर दिक्कत होता है इनकेस तो आप बताएंगे तो मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री मैंने कर दिया है, आपको इसका पीडीएफ भी ना एप्लीकेशन में मिल जाएगा, किस तरीके से मिलेगा एक वीडियो डाल दी है उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा। फर्स्ट आंसर है आपका ये रहा और मैं धीरे धीरे कर देता हूँ, और बिल्कुल सिंपल आंसर था क्वेश्चन में, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करना होगा। फिर भी किसी को लगता है कोई समझ में नहीं आया आप कमेंट में डालेंगे या फिर आपको नंबर गिवन होगा व्हाट्सएप का तो उस पर भेज के आप पूछ सकते हैं, सर ये अमाउंट आपने कैसे लिया। तो सर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और एक चीज और अनाउंसमेंट कर दूं, सेम 3 का बैच है वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जो बच्चे पहले एनरोल हो जाते हैं वो हो सकते हैं, सारी डिटेल व्हाट्सएप नंबर गिवन है उससे आप डिस्कस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं सर, इसी का बी पार्ट था। सबसे पहले ये कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एज अ शो ऑन द करंट लाइबिलिटी, तो बिल्कुल सही है, करंट लाइबिलिटी का ही पार्ट होता है, मैंने ईएसओपी में बताया आपको जो करके भी दिखाया है। प्रेफरेंस शेयर प्रोसीड्स फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर, ये गलत है सर, ये गलत है आंसर इसका। तो इसके अंदर ना वैलिड रीजन भी देना है, तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम तो हो सकता है लेकिन फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर से नहीं हो सकता, या तो प्रेफरेंस शेयर से ही होगा या फिर इक्विटी से होगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, प्रेफरेंस शेयर डिफरेंशियल वोटिंग राइट, बिल्कुल गलत है ये भी, फॉल्स है ये भी, सिंपल था ये भी, ठीक है। इसी का और में था सीआरआर, हमारा बिल्कुल कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, सीआरआर क्यों होता है इसके ऊपर मैं एक बार डिस्कस करके छोटे से वीडियो बना दूंगा एमसीक्यू के ऊपर। सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं होता, बिल्कुल सही है, और कम इंटरेस्ट में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होता है, ये भी बात ठीक है, और शेयर होल्डर इंक्रीज द डिविडेंड रिकमेंडेशन बाय डायरेक्शन, शेयर होल्डर कैन इंक्रीज द रेट ऑफ डिविडेंड, तो ये मैटर करता है डिविडेंड, तो इन सभी क्वेश्चन पे बना दूंगा। दूसरा पार्ट जो मेन था ना आपका इसॉप का था, और सर ये इसॉप का क्वेश्चन ना पहले भी आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम है, आप देखेंगे तो ये पहले भी मिल जाएगा, थोड़ा सा मार्कर मेरा सही नहीं चल रहा है इस पे, तो आपको पहले भी लास्ट ईयर में सिर्फ कैलकुलेशन था, यहाँ पे जर्नल एंट्री पूछ लिया। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं एक एक क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा, ये रहा आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन। कुछ वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट में देखिए मार्केट प्राइस 100 रुपए था, ऑफर 50 का, तो नुकसान जो था वो कितने का था, 50 का था, ठीक है। इसके बाद आगे जो कहता है हमारा टोटल, टोटल हमें नंबर की अगर हम बात करें तो सर इसके अंदर 1000, 1000 इंटू में 100, 10,000 है, 1000 इंटू में 100, 1,00,000 हो गए हमारे नंबर ऑफ शेयर्स, पहले साल के अंदर वेस्टेड हो गए 600। इसकी मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे सर इस टाइप का एक क्वेश्चन बता दो, तो मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा इसका, तो आप इसका वर्किंग नोट देख लीजिए फिलहाल के लिए जो आंसर है। जर्नल एंट्री आप देख सकते हैं, प्रॉपर जर्नल एंट्री गिवन है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस है ये और इसॉप आउटस्टैंडिंग है। आज सारी वीडियो भी आ जाएगी आपके चैनल पे भी और सारी चीजें आपके पास आ जाएगी, होपफुली आपका एग्जाम जो है कल है एग्जाम, तो एग्जाम आपका जो भी है जैसा भी गया आप उसको साइड करके जो ये है इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो सर ये पूरा का पूरा फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए एप्लीकेशन पे जाइए और वहां से कर सकते हैं डाउनलोड, कैसे करना है नहीं समझ में आता चैट में डालिए आपको इंस्टेंट मिल जाएगा पीडीएफ इसका आंसर का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं हम इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।